हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ना बनाने जा रही हूँ वुड एप्पल का शरबत। तो ये जो शरबत है वुड एप्पल का, वुड एप्पल को हिंदी में कहते हैं बेल, जो कि हमारे शिव जी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसका जो बेल होता है ना, इसकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। चाहे आप पत्ती ले लीजिए, चाहे उस बेल का पेड़ ले लीजिए, या फिर उसके फल को ले लीजिए, हर चीज़ जो होती है वो उपयोगी होती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेल को लिया है फोर, और एक मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है। आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हो, कटोरी, कटोरा, बर्तन, लोटा, कुछ भी ले सकते हो। तो उसमें बेल का गुजा निकाल करके डाल देंगे इस तरह से। इसमें डाल दिया है अपने पूरे अच्छे तरीके से निकाल देंगे। आप इसमें चाहो तो चम्मच की मदद ले सकते हो, बस आप लोग चाहे तो। यहाँ पे मैंने पूरा गुजा निकाल करके डाल दिया है। ऐसे पीती हूँ ठंडा, जो मैंने इस बर्तन में डाला है। तो बस इसको पानी जो हमें मिला है तो अच्छे से मैश करना है। आप चाहो तो ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको हाइजीन वाला का जो इशू हो ना है, मुझे तो मेरे हाथ अच्छे मिक्स हो गया था, तो अब मैं इसको घर बड़े बर्तन में छान बना रही हूँ। तो एक से दो बार के लिए चलता है, क्योंकि ताकि आटा भी रेशे रेशे रह जाए। और तो फिर मैंने देखी इसको अच्छे से मैश कर लिया है, पानी में निकल गया है। तो पहले चीनी मैश कर लें, और बेल का जो गुदा है मुझे दोबारा छानना है, अच्छे से बन जाए। बहुत सारे लोग गुदा की जगह दूसरे गुदा रेशे लगाते हैं, बहुत सारे मिला दूध नहीं भी डालते हैं। अब जैसे इसमें ज़्यादा बचा हुआ है तो ये टेस्ट आप इसी जगह पे मिक्सर का जब यूज़ करते हो एज अ स्टार्टर काट दिया, अगर आपके घर में बीज होते हैं तो आप ऐसा स्टार्टर भी कट जाते रख सकते हो। थोड़ा सा टेस्ट होता है तो उनको देने के लिए भर जाता है, लेकिन अगर जब हाथ से मिलाते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है ये शरबत। तो अभी हमारा बेल का जो शरबत है बिल्कुल रेडी है, बस आप इसको छानना है आपको और पी लेना है। अगर कोई आता है तो अच्छे से प्रेजेंटेशन कर दीजिए। तो देखिए मैं इसको अभी छान लेती हूँ, और इसका जो गुजा है आप चाहो तो इसे कंपोस्ट खाद भी बना सकते हो, और नहीं चाहो ना तो आप इसको गमले में भी, मतलब गमले में नहीं डाल सकते, सॉरी, मतलब कंपोस्ट खाद बना सकते हो, उसको गमले में डाल सकते हो, फायदेमंद। अगर नहीं चाहो तो लगने से गायों को दे सकते हो या बाहर डाल सकते हो। हमारा बिल्कुल खा तैयार, हम लोग शरबत हमारा बिल्कुल बन करके रेडी है। पीना होगा घर में, हर कोई पीता है मेरे घर में बेसिकली। तो अब हम लोग आप छाने घर में पिएंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है तो पीने के लिए। इसी के साथ आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ वो बताइएगा, और मेरे चैनल को बिना लाइक शेयर बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे ये जूस आपको कैसा लगा। तो अभी के लिए मैं रखती हूँ, अब वीडियो मतलब ख़त्म करती हूँ, और अब आपसे मिलूँगी मैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।